हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। भाई आप लोग कैसे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं बहुत सही हूँ, मानू भी सही है, थोर और हेला दोनों सही है। ये आज की वीडियो में क्या करेंगे हम, एक्चुअली मैंने आप लोगों को बिना अपडेट करे मैंने क्या करा कि मेरा जो एक्वेरियम था वो मैं भैया को वापस दे आया और उसमें कुछ अपग्रेड्स करा रहा हूँ मैं। तो वो चीजें हो गई है, जैसे कि भैया ने मुझे फोन करके बताया कि हाँ हो गई है। तो अब मैं और सिद्धार्थ जा रहे हैं वहाँ पे। भाई हम दोनों ऐसे खेलते हैं, आज थोड़ा टाइम ऐसा ही जो कैमरे में दिख सके तो मैं दिखाता हूँ। फेंक मानू ऐसे खेलते हैं, एक हाथ से पकड़ना और उधर थोर यू कह रहे मुझे भी खिलाओ, मस्त गया ना वो थोर दे पीछे। ये भी आगे कबाड़ी। हाँ भाई, और लेफ्टिनेंट लग चुका है ये। लगेंगे चल मैं लेके आता हूँ, अभी लेके आते हैं एक्वेरियम। चलो हम सब लोग अपनी खुद की हेल्थ के लिए और अपनी खुद की स्किन के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, बट क्यों ना हम अपने पेट्स के लिए भी ऐसे प्रोडक्ट यूज करें, क्योंकि उनकी स्किन और उनका स्किन कोट जो होता है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए। उसके लिए मैं ये पेट वेट के प्रोडक्ट्स लेके आया हूँ आपके सामने। आप लोग देख सकते हो चार प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि स्किन कोर टैबलेट्स, मल्टीविटामिन, जॉइंट टैबलेट्स और कैल्शियम सीरम। जो स्किन कोर टैबलेट्स हैं ये हेल्प करती है जो अपने डॉग्स की जो अनवांटेड बालों की हेयर्स की जो शेडिंग होती है उससे बचाती है, जो नरिशमेंट के लिए अच्छा है, इनकी स्किन की नरिशमेंट के लिए, इलास्टिसिटी के लिए भी अच्छा है, बहुत बढ़िया है। इसके अंदर कई सारी चीजें, विटामिन सी है इसके अंदर, जैसे विटामिन ई है, विटामिन B7 है, टर्मरिक एक्सट्रैक्ट है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, मतलब कि ये बहुत ज्यादा अच्छी है अपने डॉग्स के लिए। ऐसे ही अपने पास ये जॉइंट टैबलेट है, इसके अंदर क्या फायदा होता है भाई, जैसे ना बचपन में जो छोटे बच्चे होते हैं डॉग्स के तो उनके जॉइंट में इशू आ सकता है टाइल्स पे रखने की वजह से, तो और भी कई कारणों से इशू आ सकते हैं। तो ये जो जॉइंट टैबलेट्स है ये ना उनके जॉइंट्स को बहुत मजबूत रखती है, बोन्स के स्ट्रक्चर को मजबूत रखती है। तो हम अभी भी अपने अडल्ट डॉग्स की, जैसे जो डॉग बड़े होते जाते हैं तो उनकी जो बोन्स है और जॉइंट्स है वो कमजोर होते जाते हैं, तो उसकी सेफ्टी के लिए भी हम ये चीज इनको दे सकते हैं। सेकेंड है मल्टीविटामिन टैबलेट्स, ये अपने डॉग की जो मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज करता है, अच्छा करता है, जिससे इसकी अपने डॉग की जो हेल्थ होती है और लाइफ स्पैन होता है वो बढ़ जाता है। इसके अंदर आपने कई सारे विटामिन हैं, आप देख सकते हो, जूम कर सकते हो, विटामिन ए, ई, विटामिन D3, विटामिन B1, तो बहुत सारे विटामिन जिसकी डॉग की बॉडी को जरूरत है तो वो सारे विटामिन इसके अंदर है। अब नेक्स्ट है कैल्शियम सिरप, ये बोन्स की टेंडेंसी को मजबूत रखने के लिए होता है और लिक्विड फॉर्म में है। विटामिन इसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन D3 और विटामिन B12 भी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने डॉग्स के लिए। और तरीका और बता देता हूँ इसी के अंदर कि अपने डॉग को कैसे आप दो, क्योंकि कई बार खाने में मिलाते हैं तो डॉग लेता नहीं ना अपने टैबलेट, तो मैं बताता हूँ कैसे दे सकते हो आप। ये देखो ये टैबलेट अपनी मल्टीविटामिन की, थोड़ो ये देखो सबसे बेस्ट तरीका है, टैबलेट ले और इसके थोड़ा अंदर अंदर छोड़ दो बस। तो भाई इन सब प्रोडक्ट्स को शॉप करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हो तो मेरे कूपन कोड को जरूर यूज करना, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप लोग भी यूज करो, क्योंकि मैं अपने पेट्स पे यूज करता हूँ, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। लो भाई हम व्लॉगिंग कर रहे हैं, बाइक के ऊपर खड़े हो गए। ये रहा हमारा ड्राइवर, क्या हाल है सर? बढ़िया भाई बढ़िया। कहाँ गया हुआ था इतने दिनों? लखनऊ था भाई। लखनऊ क्यों गया था? जॉब लग गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, पार्टी दे रही थी। दोस्तों रात के 2 बज चुके हैं, तब अब जाके मेरा काम पूरा हुआ है और अभी भी मैंने फिल्टर चला दिया है, इसलिए ये पानी सेट हो जाए, सही हो जाए। ठीक है, टाइम दिखाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ अपना एक्वेरियम कैसा बन गया। ये देख लो भाई, टाइम देख लो आप लोग, रात के 2 बजे हुए हैं और ये लाइट बंद करूँ फिर आपको अच्छा दिखेगा। ये देखो, ये देखो भाई कैसा लग रहा है बताओ। पीछे वो व्हाइट कलर का मैंने वो कर दिया पेंट, ये अब धीरे धीरे ये साफ होने लग रहा है। अपना ये वाले पेबल्स लेके आया हूँ मैं, वो अपना फिल्टर काम कर रहा है पीछे। ये देखो पानी बिल्कुल साफ निकल रहा है, बिल्कुल साफ साफ पानी, और ऐसे ऐसे करके जल्दी जल्दी ये साफ हो जाएगा, थोड़ी बहुत सेडिमेंटेशन होगी, बाकी अपना फिल्टर काम करेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग फिल्टर है भाई वो, तो वो काम करेगा, तो सुबह तक ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी हो जाएगा अपना। फिर हम अपनी फिश डालेंगे इसमें, तो आप लोग रेकमेंड करो कि कौन सी डालें,
ठीक है। कैसा लगा भाई वो जरूर बताना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज ये नेक्स्ट डे है, मैं दो दिन के ब्लॉग्स एक में शूट कर रहा हूँ। तो रात को आपने देखा था मैंने वो कर दिया एक्वेरियम वगैरह सेट, पापा नहीं देखा अभी तक सुबह। पापा मैंने कैसा लगा? देख लिया। पापा कैसा लगा? बहुत बढ़िया। पापा की तरफ करके दिखाएंगे ना? एकदम से फर्स्ट क्लास। अच्छा है ना? और कौन सी फिश डाल लो उसमें? बड़ी फिश तो बड़ी डाल लो। ऑस्कर बड़ी दो ले भी, जो जैसे पहले ऑस्कर थे अपने पास देखते हैं, या फिर गोल्ड फिश भी बहुत सुंदर है वो। आप भैया दे नहीं रहे, वो ही ठाके लाऊंगा ना कैमरे में, कह रहा हूँ भैया वो ही ठाके लाऊंगा। रात में ठाने पड़े हुआ पर वो ही लेके आऊंगा। दो गोल्ड फिश इतनी सुंदर सुंदर। अरे मान ने मेरा बर्थडे गिफ्ट मंगाया है, सरप्राइज गिफ्ट। पापा कुछ काम कर रहे हैं आज, एयरपोर्ट के केस नहीं आया है। थैंक यू मानू, पता क्या वहाँ और एक खास बात और है। वहाँ रखता था ना ये अपनी जेब खर्ची में से तोड़ के लाई है, हमारे से कोई पैसा नहीं लिया। मानू अच्छी बच्ची है, भावना भी कदर करती है। ये देखो सही है, तू भी देख अच्छा है ना। कैसे डल जाए मानू भाई, सही है, इस सब तक साफ रहेगा। देखो एक चीज और नोट करो, तू भी देख ले। कितना सुंदर है ये देखो। अच्छा इसके मैं डाल दिया जी, ये कवर है उसका सही, और यहाँ से वो चार्जिंग हो जाएगी। और कुछ ये चीज हमने रात को एक चीज लगवाई है, इससे वो पूछो भी क्या चीज रखेंगे। ये हमने दो ये लगाए हैं, एक ये एक ये, इसमें क्या रखे आप लोग सजेस्ट करो कमेंट्स में। और भाई आज दशहरा है, आप सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भूल ही गया था, ध्यान से निकल गया था। और मम्मी जी आज तो घर में पकवान बनने चाहिए फिर। हाँ बिल्कुल, अपना देसी खाना, मालपूड़े आलू की सब्जी और तुम्हारी फेवरेट पालक पनीर। नहीं मेरा है थोरू ये। पालक पालक गांव से बगाना से लेके आया। अच्छा हाँ बिल्कुल मस्त पालक अपने घर में लगा, खेत में से ना ना अपने घर में लगा। अच्छा गांव में घर पे लगा रखी थी। हेलो भाई मानू बताइए इसके अंदर क्या है? फिश। और भाई इतनी सुंदर फिश है ना, कितनी भैया दे नहीं रहे थे फिर भी हम ले आए। मैं कहा वो उनके भाई उनके खुद के ब्रीडिंग पेयर है ये, पर वो दे नहीं रहते, कहते भाई इसके अलावा कुछ भी ले लो कुछ भी। मैं कहना मैंने यही लेने हैं। बता मानू कितनी देर लगी थी आपा को ये कहने? 10 मिनट तक हम जिद्दी करते रह गए, तब जाके ले आए। और ये थोड़ा बैक्टीरिया लेके, वो गुड बैक्टीरिया इससे आ जाएगा, ये पहले से कल्चर्ड है। और एंटीक्लोरिन भी ले आए हैं। और अब मेरे को ना लाइट लेनी है 24 वोट की, जो पहले लगाई हुई है ना वो 9 वोट की, उसमें लाइट बहुत कम है, तो वो ले लेते हैं फिर चलते हैं। ठीक है मानू ले आऊं मैं। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं, मैंने वो जो बैक्टीरिया थे, जो गुड बैक्टीरिया, जो साइकिल, उसका नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, जिसको नाम याद है तो मुझे कमेंट सेक्शन बताना, ठीक है। और वो मैंने डाल दिए हैं और एंटीक्लोरिन भी डाल दिया है। अब मैं थोड़ा सा एक बाल्टी पानी चेंज भी कर दूंगा, वो फिल्टर वाला पानी डाल दूंगा, और फिर अपनी फिशेज डालेंगे इसमें, क्योंकि ये सब चीज़ पहले से सेटअप है ना। और अब तो बस एक ही हुआ है, वो जो मैं बल्ब लाया था ना वो गलत ले आया, वो नया लेके आना है, वो लेके आता हूँ और उसके बाद आपको अपडेट देता हूँ। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। और अभी तो ये बहुत अपडेट होगा, मतलब साथ के साथ और चीज़ें होती रहेगी इसमें। तो ये देखो भाई मैं ये लेके आया हूँ, कितनी सुंदर बड़ी बड़ी गोल्ड फिश है। चलो पापा कह रहे हैं डाल दे, तो मैं डाल देता हूँ। कितनी मस्त है ना बड़ी बड़ी, कैसी है आपका? बहुत बढ़िया। क्या करते हैं बेटा? उन्हें पानी नहीं डालना है। मुझे पर्सनल फेवरेट ये वाली है मेरी, देखिए देखिए ये वाली। कैसी लग रही है? बस और थोड़ी कैसी लग रही है? I don't know.
अभी ये थोड़ा बहुत पानी और साफ होगा। ओए थरू देखना पापा कैसे बैठ के देख रहे हैं, कैसे लगे पापा जी? बहुत सुंदर है, सुंदर है ना? देखो भाई शाम के टाइम में आया तो देखना क्या कर रही है। अब क्या कर रही है अनु? ये दुनिया जानता लड़का अपने पैरों में बजा लेती है, तो मैं इसके ना ये जो पीछे के पैर है ना ये बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, भाग निकल जाते हैं सी, तो मैं अब इसको साफ कर रही हूँ तो फिर ये ज्यादा गंद नहीं आता इसके पैरों में। चलो भाई मम्मी को भी लेके चल रहे ऊपर दिखाने के लिए। चलो मम्मी को दिया मैंने बढ़िया प्लान था। मम्मी वापस बताओ भैया दे नहीं रहे थे बिल्कुल में। क्यों? वो ये उनके खुद के लिए पर्सनल थी, तो कहते कि मैं ब्रीड करूंगा ऐसे वैसे, तो मैं हो रही है ब्रीड। हाँ पेयर है, बांध रही है मेरी मत्था है। हाँ ये तो बड़ी तो सुबह है हाँ। फिश देखो कितनी बड़ी और कितनी वो क्या बोला करता है इसने एक्वेरियम भी लगया है क्या अब है वो इतना बड़ा है कि डंडा सा मेरे को दिखने लगा कैसे लगी फिश? फिश भी जबरदस्त है अब है ना, जन्म जाना ये कि कोई चीज बड़ी है। देखो लाइट ये पीछे फिल्टर ये पापा ने वहां उस पर सेट करवाया है, किस पर करवाया इसके ऊपर। ये देखो मम्मी इधर पेयर है एक, जहाँ तक मुझे लग रहा है इसमें एक काम और ये वाली मेल है और ये फीमेल, इसमें एक काम और कर देना वो जो काई खड़ी है वो लगा दी इसमें। देखेंगे नीचे है ना फिर वो तो फिल्टर देखो पीछे ये अब चीज बनी ये काला जो है पूरा बॉक्स फिल्टर और पीछे देखो मैंने व्हाइट कलर का स्प्रे करा हुआ है। अच्छा ये पीछे ये नहीं ये अच्छा अच्छा इस पर स्प्रे कर दिया था तो आर पार नहीं दिखेगा ना, तो ये इनका कलर निखर के आएगा। रात को 2-3 बजे तक यही तो करा था, अभी इन पे और पौधे भर देंगे। और देखो कितना साफ पानी है, कोई भी गंद है थोड़ा भी गंद नहीं है। ये यहाँ पे ऐसे लगा दिया गलती से, मेरे से मोरा हो गया था तो ये पिचकारी आ रही। ये देखो बैठ गई ठीक लग रहा। ये लो भाई आज व्लॉग में आ गए यम्मी। कितने दिनों बाद आया यम्मी, कहाँ गया हुआ था तू? मैं कहीं नहीं गया। है? मैं कहीं नहीं घर पे ही था। हाँ। लो भाई आज छोटे छोटे इन बच्चों ने बनाए, तुमने बनाया कब है? 2-3 दिन पहले पटाखे भी डाल दिए अंदर। पटाखे डाल दिए? हाँ। कहाँ बनाए है तुमने? ये घर के अंदर ही। अंदर कहाँ पटाखे? पटाखे पेट के अंदर ना तोड़ेगो नहीं थोड़े उसके ऐसे नहीं थरू ना मैंने इतना गेट दिया बैठे तू। चलिए बहुत अच्छा बनाया भाई, कितने दिनों में बना ये? 5-6 दिन में। 5-6 दिन में अच्छा रे अच्छा है। और वो पार्क वाला भी बन गया क्या? हाँ बन गया, लगाने लग रहे हैं। तीन है। कब लगाओगे इसके आग? ये सिर पे के इधर है हमने मुकट हम यहाँ पर जिम जा रहे थे, बच्चों ने अपना रावण जचा रखा है तो थोड़ी और हम सारे आ गए देखने हैं। आग जला ली बच्चों ने, कड़े गए थे वो। हाँ बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। हे भगवान अपने को कोई बर्थडे पे नहीं बुला अपने दोस्त बर्थडे दे दी के दा पता नहीं चलता ये बुलाते ही नहीं अपने को। पटाखे भी हैं गेम बॉय पीछे आ जा बुरी मेरे पर निकल लगा रखे।
माथा उड़ गया थोर को देखो पूछ पाछ अपनी खड़ी कर कैसा लगा थोरी इसमें फिर की गेड़ रखी है पार्क का गेड़ और मार गया तू जिम चल पड़ पार्क का गेड़ जिस चीज के लिए निकले थे गड्ढे ये फिर हम काली बन के खड़ी हो रहे हैं जिम के लिए निकल चुके हैं बच्चों ने वहाँ पे भी रावण तैयार कर दिया वहाँ पे है चलो देख करते रावण सुनो सुनो मैंने बूढ़े अंकलों पे ज़ूम कर दिया आज जिम गाइस हमारा जिम बंद था उल्टे आगे ये हो रहा भाई रावण सिर पे मारियो सिर पे खड़ा हो जाने साथ में क्या कर दिया जा खड़ा कर गया जा फुटे नहीं को क्रैकर नहीं फुटे वो उसकी टांग टूट गई चलो भाई घर चलते हैं तो भी कन्वर्सेशन में बताना कैसी लगी ठीक है इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं और कैसा लगा इसे यार कितना सुंदर देखना कैसा लगा इसे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे ओके बाय बाय